हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता राय। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बैक्टीरिया विच इज़ दैट बिलोंग्ड टू किंगडम मोनरा उसके बारे में पढ़ा था, एंड उसमें हम लोगों ने कैटेगरीज देखे थे। आर्की बैक्टीरिया का कैटेगरी देखा, देन यू बैक्टीरिया का कैटेगरी देखा। यू बैक्टीरिया के कैटेगरी में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दी टू डिफरेंट कैटेगरीज, दैट इज़ दी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ एंड दी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। इस लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड कैटेगरी ऑफ द यू बैक्टीरिया विच इज द हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सो वेन वी टॉक अबाउट हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो सबसे ज़्यादा एबंडेंटली पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये कि आउट ऑफ ऑल द कैटेगरीज दैट वी हैव स्टडीड इन बैक्टीरिया और इन किंगडम मोनरा, जो सबसे ज़्यादा एबंडेंटली पाए जाने वाले बैक्टीरियल कैटेगरीज होते हैं वो इस बैक्टीरिया के होते हैं, विच इज़ द हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नाउ ये जो बैक्टीरिया होते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दे मेनली फंक्शंस एज डिकम्पोजर्स। इनका मेन फंक्शन डिकम्पोजर्स की तरह होता है, एंड दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बाय सिक्रीटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। नाउ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में जब हम बात करते हैं द काइंड ऑफ बैक्टीरिया, तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो कैटेगरीज में बेसिकली बिलोंग करता है। नाउ एक कैटेगरी हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की ऐसी होती है विच इज़ यूजफुल टू ह्यूमंस and which is actually useful to mankind as they are responsible for producing a lot number of biological products. ये biological products के या फिर ऐसे you know products के production में important role play करते हैं, जो कि human welfare के लिए बहुत ही important होता है। On the other hand, there are some categories or there are some groups of heterotrophic bacteria that also plays a very disadvantageous role on one hand or on the other hand, and they are responsible for causing diseases or have pathogenic effect to humans. They show their pathogenic effect to humans, crops or any other animals. सो बेसिकली इसमें अगर हम देखें तो इसमें दोनों कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। एक एडवांटेजियस बैक्टीरिया भी होता है, दूसरा डिसएडवांटेजियस बैक्टीरिया भी होता है। सो विल बी राइटिंग डाउन द फीचर्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सो दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एबंडेंट बैक्टीरियल organisms, and they basically perform the function of decomposition. So they usually carry out decomposition and have important role as decomposers. All right, तो ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। Now जैसे कि मैंने बताया कि heterotrophic bacteria में advantages and disadvantages category of bacteria दोनों आते हैं। So they some heterotrophic bacteria are useful as they produce curd from milk, और इसमें lactobacillus bacteria होता है जैसे कि हम लोगों को मालूम है। So they produce curd from milk, fixes nitrogen in leguminous plants. इसके एग्जाम्पल में लाइक राइजोबियम हो जाएगा, कर्ड फ्रॉम मिल्क का जो एग्जाम्पल है इसमें दी एग्जाम्पल विल बी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स। सो प्रोड्यूसेस
एंटीबायोटिक्स, लाइक अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक ले तो सर दैट इज प्रोमिनेंटली प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया. सो एग्जाम्पल विल बी स्ट्रेप्टोकॉकस, और क्लोरामफेनिकॉल भी हो जाएगा उस तरीके का. ऑलराइट, तो एक एक एग्जाम्पल इसका मैंने दिया. बट अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग इन अ यूजफुल मैनर, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीजेस एंड हैव पैथोजेनिक इफेक्ट. सो दे causes diseases also in humans, crops, animals, etc. like cholera, typhoid. Cholera is actually caused by Vibrio cholerae bacteria. Typhoid is caused by Salmonella typhi and tetanus. And tetanus is caused by Clostridium tetani bacteria. So, alag-alag bacteria, apart from acting in a useful manner, they are also disadvantageous. Alright, so ye cheez ho jayega. And bacteria ka jab hum isi, ye, this was actually about the last category of eubacteria, which was heterotrophic bacteria. एंड जब हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है फिशन प्रोसेस के थ्रू. दैट मीन्स जो बैक्टीरियल सेल होता है इट स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल्स, वो दो डॉटर सेल्स में स्प्लिट करता है. सो बाइनरी फिशन के थ्रू ये बेसिकली रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो इट बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, इट बेसिकली इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू दी another bacterium. All right. Iske alawa, there is also an organism which is called mycoplasma, jisko mycoplasma bolte hain. And mycoplasma, these are the smallest living cells known. So these are the smallest living cells known that can survive without oxygen and that completely lacks cell wall. ये इसको initially पहले कहीं ना कहीं bacteria में ही रखा गया था, but because of some of its features that were different from that of the bacteria, तो इसको एक अलग category में ही separate कर दिया गया, divide कर दिया गया. तो ये बेसिकली हम माइकोप्लाज्मा जो होता है वो कहीं ना कहीं इसका कुछ ऐसे सेलिएंट फीचर्स थे दैट वर एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द बैक्टीरियल कैटेगरीज, तो इसलिए इसको डिवाइड कर दिया गया था. ऑल राइट, सो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया asexually by binary fission, as I said, and sexually is by the transfer of DNA from one bacterium to another, then that this process is actually called conjugation. इसको हम conjugation बोलते हैं. ऑल राइट, तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअली तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड जब हम माइकोप्लाज्मा की बात करें, सो दीज आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन. So these are actually the smallest living cells known that can survive without oxygen, जो oxygen के बिना ही survive कर सकते हैं, and lacks cell wall, इनमें cell wall नहीं होता. Alright, they are also pathogenic to many plants and animals. So also pathogenic to plants and animals. All right,
सो दिस वॉज अबाउट द किंगडम मोनरा कैटेगरी, जिसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में, सारे कैटेगरीज के बारे में पढ़ा, एंड लास्ट हम लोग माइकोप्लाज्मा को देखे. ऑल राइट, द नेक्स्ट किंगडम इज दैट ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा. जो हम नेक्स्ट किंगडम में जाएंगे वो किंगडम प्रोटिस्टा है. किंगडम प्रोटिस्टा का कुछ फीचर्स अगर मैं डिस्कस करूँ तो वो कुछ इस तरीके का होता है कि प्रोटिस्टा बेसिकली सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं. एक्वेटिक कंडीशंस या एक्वेटिक हैबिटेट इनका होता है. एंड किंगडम प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिनके ऑर्गेनिजम्स जो इस किंगडम में आते हैं, दोज एक्चुअली फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक विथ दैट ऑफ द प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई. सो प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई के बीच का कहीं ना कहीं ये लिंक बनाने का काम करते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन किंगडम प्रोटिस्टा, तो द रिप्रोडक्शन कैन बी बोथ सेक्शुअली एंड एसेक्शुअली बाय मीन्स ऑफ सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन. तो इसमें उस तरीके से भी हो जाएगा. किंगडम प्रोटिस्टा थोड़ी बड़ी किंगडम है, सिंगल सेल यूकैरियोट्स को इंक्लूड करती है, एंड इट हैज़ फाइव डिफरेंट सब कैटेगरीज. इसमें पांच अलग अलग सब कैटेगरीज होता है, जिसमें द फर्स्ट इज द क्राइजोफाइट्स, द सेकेंड इज द डायनोफ्लैजेलेट्स, द थर्ड इज द यूग्लेनॉइड्स, फोर्थ इज स्लाइम मोल्स, एंड द फिफ्थ कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल द प्रोटोजोअन्स. सो एक एक करके हम सारे कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे एंड डील करेंगे. सो कमिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, ये बेसिकली सिंगल सेल यूकैरियोट्स को इंक्लूड करता है, एंड ऑर्गेनिजम्स आर एक्वेटिक. ऑलराइट, ऑर्गेनिजम्स बेसिकली एक्वेटिक होते हैं. सो पांच अलग अलग इनके सब कैटेगरीज होते हैं, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स. So they basically reproduces asexually and sexually by means of self fusion and zygote formation. जब इनका हम अलग अलग categories देखेंगे तो we'll deal with the first category, which is that of the क्राइजोफाइट्स. Alright. So क्राइजोफाइट्स को कहीं ना कहीं हम डाई एटम्स एंड गोल्डन एलगी भी बोलते हैं. So they are also considered as diatoms and golden algae. They are mostly planktonic nature के ये होते हैं, and कहीं ना कहीं ये basically आपके fresh water में as well as in marine habitat दोनों conditions में ये पाए जाते हैं. And इनका one of the most important feature जो होता है chrysophytes का, वो इनका cell wall structure होता है. तो इनका जो सेल वॉल होता है दैट इज़ बेसिकली मेड ऑफ सिलिका, वो सिलिका का बना होता है, एंड इट फिट्स लाइक टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स की तरह ये फिट होते हैं, एंड समथिंग लाइक अ सोप बॉक्स. तो सोप बॉक्स की तरह रहते हैं, एक यू नो स्टिफ सेलुलोज का बना होता है बेसिकली, एंड दैट सॉरी इट्स ऑफ स्टिफ सिलिका का बना होता है, एंड दैट एक्चुअली फिट्स लाइक अ सोप बॉक्स. सो बॉक्स की तरह फिट होते हैं, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और कहीं ना कहीं ये सिलिका का डिपोजिशन होने की वजह से सेल वॉल में दे आर हाईली इंडेस्ट्रक्टिबल ऑफ नेचर. ये इंडेस्ट्रक्टिबल नेचर के होते हैं, एंड दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये डिपोजिशंस बनाते हैं, इनका सेल वॉल डिपोजिशंस मिलता है अर्थ में, एंड दैट्स वाई दे आर कंसीडर्ड टू बी एज डाई एटमेशियस अर्थ. सो दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग डाई एटमेशियस अर्थ, बिकॉज ये इनका जो सिलिका का डिपोजिशन है सेल वॉल में, यही इनको ये एबिलिटी देता है कि ये डाई एटमेशियस अर्थ बनाए, विच इज अ ग्रिटी नेचर. ऑल राइट, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डायटम्स इज ऑल्सो दैट दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस. कहीं ना कहीं ओशंस में दीज डायटम्स आर कंसिडर्ड टू बी एज द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस. ऑल राइट, तो इसमें अगर हम फीचर्स लिखें, सो दिस वुड बी इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एलगी, which are also called desmids. Habitat is usually fresh water
and marine, also planktonic. Alright, तो ये चीज़ इनका हो जाएगा. एंड सो इनका जो सेल वॉल होता है वो कहीं ना कहीं दो थिन ओवरलैपिंग, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ये क्राइजोफाइट्स और डायएटम्स, दैट दे फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट्स टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स. ये सोप बॉक्स की तरफ फिट हो जाता है. सेल वॉल इज मेड ऑफ सिलिका, तो ये बेसिकली सिलिका का बना होता है which is indestructible. इसलिए कहीं ना कहीं डायटोमेशियस अर्थ बनाते हैं, क्योंकि इनका सेल वॉल जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है इनसाइड दी, दैट गेट्स बरिड इनसाइड दी अर्थ. और वो डिपॉजिटेशन का जो कारण है वो इसका सिलिका का नेचर है जो कि इसका सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल नेचर. एंड लास्ट इज दैट दे आर दी, दे बेसिकली इंक्लूड्स दी डायटम्स, chief producers in the oceans. All right, so this was about trazophytes. The next which we'll be dealing with will be the category will be the dinoflagellates. Dinoflagellates का जो term, ये जो नाम पड़ा है dinoflagellates का, वो इसलिए पड़ा है कि dino means two and flagellates means flagella. सो डाइनोफ्लैजेलेट्स का नाम इसलिए पड़ा बिकॉज दे हैव द प्रेजेंस ऑफ टू फ्लैजेला, एंड दैट फ्लैजेला इज वन लॉन्गिट्यूडनल एंड द अदर इज ऑफ ट्रांसवर्स नेचर. ऑलराइट, नाउ ये जो डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि दे हैव द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन देम. इनमें अलग अलग तरीके का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाया जाता है, दैट मे बी ऑफ ग्रीन कलर और येलो कलर और ब्लू और ब्राउन कलर और रेड कलर. और ये बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो इनमें पाया जाता है, उस तरीके का ये कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करते हैं. इनका जो सेल वॉल होता है वो स्टिफ सेल्युलोज का बना होता है, एंड इसमें आपका एक एग्जांपल दिया है डाइनोफ्लैजेलेट का, एंड दैट इज कॉल्ड रेड डाइनोफ्लैजेलेट व्हिच इज कॉल्ड गोनियोलेक्स. रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स व्हिच इज गोनियोलेक्स, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होती है कि इट मेक्स रैपिड मल्टीप्लीकेशन अंडर द सी और ओशंस. सो सी के अंदर में ना इट मेक्स रैपिड मल्टीप्लीकेशन, और उसके मल्टीप्लीकेशन की वजह से, मल्टीप्लीकेशन बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड ये मल्टीप्लीकेशन की वजह से क्या होता है ना कि पूरा का पूरा जो सी वाटर होता है दैट एक्चुअली अपीयर्स रेड, पूरा पूरा लाल कलर का हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन देम. तो वो डिस्पर्स जब होता है तो वो दिस फिनोमेना ऑफ अपीयरेंस ऑफ यू नो रेड सी इज कॉल्ड, बिकॉज ऑफ द यू नो एक्टिविटी ऑफ और मल्टीप्लीकेशन ऑफ डाइनोफ्लैजेलेट इज कॉल्ड रेड टाइड्स, उसको हम रेड टाइड्स बोलते हैं. ऑल राइट, एंड ये कहीं ना कहीं जब ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, सो दे रिलीज अ लॉट अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स इन द सी. सी वाटर में या वाटर के सर्फिस पे यू नो दे रिलीज अ लॉट अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स, एंड दोज टॉक्सिन्स आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मिंग और किलिंग द अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, तो इसमें हम लोग फीचर्स देख लेते हैं. सो डाइनोफ्लैजेलेट्स एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा ट्रांसवर्स होता है. सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्युलोज. सो सिंस दिस रेड डाइनोफ्लैजेलेट विच इज गोनियोलेक्स मेक्स रैपिड मल्टीप्लीकेशन अंडर द सी, एंड इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सी वॉटर अपीयर रेड. नाउ दिस फिनोमिना इज एक्चुअली कॉल्ड रेड टाइड, इसी को हम रेड टाइड बोलते हैं. ऑलराइट, एंड इसी के वजह से टॉक्सिन्स जब भी, जैसे कि मैंने बताया कि जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, एंड दोज टॉक्सिन्स आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग और हार्मिंग अदर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स.
एक तो ये चीज़ हो जाएगा. और वेन वी टॉक अबाउट देयर हैबिटेट नेचर, तो ये बेसिकली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं. सो हैबिटेट इंक्लूड्स marine and photosynthetic. All right, so this was about dinoflagellates. The next category that we'll be dealing with is euglenoids. Euglenoids ki jab hum baat karte hain, to euglenoids are of basically freshwater species hote hain ye, jo ki generally stagnant water mein paaye jate hain. Inme bhi do tarike ka flagella hota hai, one is long and the other is short. तो ये भी बायफ्लैजेलेटेड होते हैं हम कह सकते हैं. और कहीं ना कहीं ये जो यूग्लेनॉइड्स होते हैं इनका सेल वॉल नहीं होता. सो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. तो इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर होता है इनके आउटसाइड द सेल वॉल, या यू बोले कि सेल वॉल के अलावा उनका एक यू नो एक तरीके का प्रोटीन रिच लेयर होता है विच इज़ कॉल्ड पेलिकल, दैट मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. इनका ये यूग्लेनॉइड्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके का कनेक्टिंग लिंक बनाते हैं. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो कैसे कि जब ये इनको सनलाइट मिलता है, सो सिंस दे हैव, हाँ एक चीज़ मैं इसमें आपको और बता दूँ कि यूग्लेनॉइड्स दे हैव द सिमिलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विच आर फाउंड इन केस ऑफ प्लांट्स. तो क्योंकि इनमें सिमिलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, सो दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ यू नो फिक्सिंग लाइट एनर्जी एंड कन्वर्टिंग इट इनटू फूड फॉर्म. तो जब इनको लाइट एनर्जी मिलती है, लाइट मिलता है, सो दे बिहेव एज ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करेंगे और अपना फूड खुद बना लेते हैं. बट व्हेन दे आर डिवॉइड ऑफ लाइट एनर्जी, जब उनको लाइट एनर्जी नहीं मिलती है, सो दे बिहेव एज हेटरोट्रॉफ्स. तो वो हेटरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करते हैं एंड आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर गेटिंग दी फूड और नरिशमेंट. ऑल राइट, तो ये इनका फीचर्स हो जाएगा. सो दे बेसिकली फॉर्म अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड जैसे कि मैंने बताया कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये फिक्स कर सकते हैं लाइट एनर्जी को. सो इन and they are capable of carrying out photosynthesis, so behaving autotrophs. And in absence of light, they behave as heterotrophs. All right, ये हो जाएगा habitat में. देखें तो fresh water mainly stagnant water, जो रुका हुआ पानी होता है उसको हम stagnant water बोलते हैं. So cell wall की जगह में इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर पाया जाता है विच इज कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट द थर्ड कैटेगरी ऑफ ट्राइजोफाइट्स, जो कि सॉरी दिस वॉज अबाउट द थर्ड कैटेगरी ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. हम क्राइजोफाइट्स के बारे में जाने, हम यूग्लेनॉइड्स के बारे में जाने एंड दी डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में हम लोगों ने जाना. तो ये तीन कैटेगरीज किंगडम प्रोटिस्टा के थे. द नेक्स्ट टू कैटेगरीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ फंजाई के जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ किंगडम फंजाई. उसके कुछ जनरल फीचर्स या जनरल यू नो हैबिचुअल नेचर क्या है, किस तरीके का वो दिखता है या किस तरीके के यू नो हैबिटेट में पाया जाता है, हम वो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.